नमस्कार डीआईजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चंद्रपुर जिले की सबसे बड़ी खबर, नारायणा विद्यालय, गुरु नानक पब्लिक, माउंट फोर्ट बल्लारपुर स्कूल के छात्रों को परीक्षा से रखा वंचित। शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी चेतावनी, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाले स्कूली प्रशासन पर होंगी कार्यवाही। अब समाचार विस्तार से। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते लॉकडाउन के समय कई स्कूलों ने स्कूल बंद कर स्कूल से ही ऑनलाइन शिक्षा सेवा दी गई, लेकिन इस ऑनलाइन की सुविधा कई इलाकों में नेटवर्क नहीं रहने के कारण कुछ बच्चों भी ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहे, जिसके चलते चंद्रपुर के कई स्कूलों में आंदोलन भी करना पड़ा। नारायणा विद्यालयम स्कूल से बच्चों की भी टीसीबी पोस्ट के जरिए भेजा गया, जिसके चलते बच्चों के पालकों ने जिला परिषद के सामने आंदोलन किया गया। जिन पलकों ने आवाज उठाए हैं उन पलकों के बच्चों पर ही स्कूली शनि मंडराने या मामला सामने आया। जैसे ही स्कूल चालू होते ही शिक्षा से धंधा करने वालों ने अपना रंग रूप दिखाना चालू कर दिया। जैसे कुछ दिनों पहले पैरामाउंट कॉन्वेंट बाबूपेट आरटीई के तहत पढ़ने वालों से भी पैसे लेने का मामला खुद शिक्षण अधिकारी ने इसका खुलासा किया था। नारायणा विद्यालय, माउंट फोर्ट, गुरु नानक पब्लिक स्कूलों की मनमानी के चलते बच्चों को परीक्षा से वंचित रखा जा रहा। ऐसा ही एक मामला सामने आया कि गुरु नानक पब्लिक स्कूल की, जहां पर स्कूली फीस नहीं भरने के कारण बच्चों को परीक्षा देते समय ही बच्चों को स्कूल की कक्षा से बाहर कर दिया गया। ऐसी मांग वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता राजू झोड़े ने उचित कार्रवाई करने की मांग रखी। राजू झोड़े ने कहा, आज पूरी फाइनल एग्जाम नहीं दी बच्चे, बोलने का ढंग खराब हो रहा ना, पैसे जो तुम ले रहे ना, बोला फाइनल एग्जाम नहीं दी और अभी नहीं आता बच्चे को, दो बच्चे मेरे पूरे यहीं पे पढ़े, दो बच्चे पढ़े उनकी पूरी फीस भरा और अभी खाली एक साल के लिए फीस के लिए तंग कर रहे हो। अभी दो बच्चे पूरे मेरे पढ़े नहीं। पढ़ाई के मामले में अगर बात करने जाओ ना तो पहले ऑनलाइन बोले तब तुम्हारा अधिकार है। ऑनलाइन उन्होंने वो कटिंग प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में फीस नहीं भरने के वजह से बच्चों को स्कूल के बाहर बिताने का काम प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से चंद्रपुर जिले में हो रहा है। उसी कड़ी में आज बल्लारपुर में गुरु नानक पब्लिक स्कूल में कोरोना की मार सहन करते हुए जो आर्थिक स्थिति से गरीब पालक है उनकी स्थिति नाजुक रहने के वजह से वो फीस भरने में थोड़ा पीछे रहे, इस वजह से आज गुरु नानक पब्लिक स्कूल में बच्चों को परीक्षा में न बिठाते हुए स्कूल के बाहर बिठाकर बच्चों का मानसिक शैक्षणिक और आर्थिक नुकसान करने का दुष्प्रयास स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल के माध्यम से किया गया। इसकी लेखी तकरार जिला अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला के तहसील अधिकारी, BDO साहब को देकर न्याय की गुहार हम वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से पालकों ने विद्यार्थियों ने की और ऐसे स्कूल संस्थानों पर कार्रवाई की जाए जो परीक्षा के समय बच्चों को बाहर बिठा के उनके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करने वाले शिक्षा संस्थाओं का अधिकार वंचित बहुजन आघाड़ी करती है।